स्क्रीन में क्या दिख रहा है आपको? जनरली जब हमारे यहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं जो सीनियर हैं, मुझसे बहुत ज्यादा वेल एक्सपीरियंस हैं, बट स्टिल जब बच्चे छोटे थे तो हम ये गेम्स उनके साथ खेलते थे, है ना। मेरा अभी बच्चा छोटा है, सो आई हैव लाइक 5-year-old डॉटर और मैं उसके साथ स्नेक्स एंड लैडर्स खेलती थी। जैसे हमारी आदत होती है एज अ पेरेंट, हम जब भी कुछ बच्चे के साथ खेलते हैं उसको ना लाइफ से रिलेट करते हैं, हम हर कदम पे बच्चे को एक अच्छा लेसन दे रहा है और उसको कुछ ना कुछ लाइफ की टीचिंग देते हैं। सो आई डिड लाइक अ गुड पेरेंट कि बेटा लाइक स्नेक्स एंड लैडर्स आपकी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है गेम। अगर आप कुछ अच्छा करते हो सो यू रेज अ लैडर, बुरा करते हो तो स्नेक काट जाता है, आप वापस अपनी सक्सेस से नीचे आ जाते हो। आप हाथ धोते हो, गुड मैनर्स हाइजीन बढ़ेगा। पढ़ाई करते हो, गुड मैनर्स, ऊपर जाओगे, सक्सेस करोगे। अच्छा, सो नाउ बच्चे बहुत स्मार्ट है आजकल के। शी नोज दैट आई एम अ मेंबर ऑफ प्रगति। मम्मी आपके प्रगति में भी स्नेक्स एंड लैडर्स गेम होता है, वहां पे भी अप्लाई करता है। अरे क्लिक सडनली, हाँ बेटा करता है। अच्छा कैसे करता है? अगर आप प्रगति में रोज जाते हो तो आप भी लैडर चढ़ जाते हो। और जो आप आके मीटिंग करते हो या आप जाते हो मीटिंग करते हो तब भी आप लैडर चढ़ जाते हो। I said, yes, this is true, जो शायद ही हमने कभी रियलाइज करा होगा। और जब हम कभी आर टू बी नहीं करते तो मींस हमने हमारी विजिबिलिटी ज्यादा नहीं रखी, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल को हम स्टार तक पहुंचेंगे व्हेन वी आर नॉट एक्टिव इन द सेम वे। चलो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल हो गया स्नेक्स एंड लैडर्स जैसे छोटे बच्चों का गेम होता है। ऐसे ही गेम बढ़ती एज के साथ मैंने लाइफ को फिर लूडो से भी कंपेयर करा। हमें लगता है कि नहीं भाई, ये हमारा प्यारा बिजनेस राइवल है, ये हमारा अच्छा दोस्त है, ये हमें नहीं काटेगा। बट लाइफ इज ऑल अबाउट सक्सीड। कई बार लोग अपने बारे में सोचते हैं, बाद में आपके बारे में, और उसके बाद दे मूव ऑन। ऐसे ही सेम हमें भी करना है कि ओके आर टारगेट सबका, कहते हैं ना पंजाबी में, लिहाज करते रहोगे तो फिर इतना शायद सक्सीड नहीं कर पाओगे। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट बर्थडे टाइम के साथ, ओके देयर वाज वन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई टेक जस्ट अनदर 2 minutes इन दिस। व्हेन आई वाज डूइंग जॉब, सो व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई एम गोइंग टू बिकम मदर, माय कंपनी सेड इन माय 9th-8th month दैट चिप्रा यू हैव टू रिजाइन। Though I was the most important pillar of the company, I was the operations manager and the nutritionist manager over there. So my company said, Shipra, you have to resign because we will not be able to give you maternity leave for a good 6 months, which our government gives. I said, okay. And I resigned. That point of time, I said, beta, life mein bahut snakes and ladders khel liya. Bahut kaam kara, upar gaye, धोखा खाया या फिर नहीं सक्सीड हो पाए, किसी गलती की वजह से नीचे भी आए। नाउ आई एम गोइंग टू प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ लाइक अ चेस। अब मैं देखूंगी कि सामने बिजनेस में या सामने पर्सनल लाइफ में क्या रिक्वायरमेंट आती है एंड आई विल प्ले अकॉर्डिंगली। हमें रेगुलर अपडेट रहना है। मेरे को आज की डेट में मैं खाली किसी को प्रोटीन विटामिन मिनरल के बेसिस पर डाइट नहीं दे सकती। जमाना बहुत आगे बढ़ रहा है, सो इन द सेम वे वी हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग आवरसेल्फ। और जैसे कि चेस का एक रूल है, लाइफ हमेशा स्ट्रेट नहीं चलती, यू हैव टू टेक राइट टर्न, यू हैव टू टेक लेफ्ट टर्न। सारी तरीके से हमें अवेलेबल रहना है और अप टू डेट रहना है, आपका दिमाग की खिड़कियां खोल के रखनी है, देन ओनली वी विल बी एबल टू सक्सीड। तो लाइफ में सारी गेम्स खेलते रहे, इंजॉय करते रहे और लेसन लेते रहे। थैंक यू।